डॉक्टर बनना चाहती हो ना? तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। चोट लगेगी। देखिए, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। सॉरी एंड थैंक यू। क्या? हाँ, सॉरी एंड थैंक यू। इतनी बड़ी बात हो गई, अब अभी बकैती कर रहे हैं। क्या ये सॉरी थैंक यू? एग्जैक्टली, सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, और थैंक यू इसलिए क्योंकि जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुमने कर दिया। अजीब चक्कर के नहीं इंसान हो तुम, सचमुच के डॉक्टर हो गया कोई झोला छाप। वो बच्चे को बचाने का काम ना तुम्हारा था, हमारा नहीं। थ्योरी देके रफू चक्कर हो गए, प्रैक्टिकल कौन करेगा? हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो काम मेरा था तुम्हारा नहीं। तेरा लॉकेट कहाँ है? वो क्या बात मत बदलिए, आपको पता है आपकी वजह से उस बच्चे की जान जा सकती थी। नहीं, वो हम पे उंगली उठा रहे हैं आप, आपकी मेहरबानी की वजह से ना सारा बनारस हम पे उंगली उठा रहा है। नहीं वो क्या हो गया था आपको? हाँ, कहाँ जम गए थे? हिप्पोक्रेटिक ओथ ली थी ना आपने कि पेशेंट को कुछ भी हो जाए लेकिन आप कुछ भी करके उसे बचाएंगे। फिर ओह, अब समझे, बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे ना देने के लिए। इंसान की ना कोई कीमत ही नहीं है, पैसे की बहुत कीमत है। वेरी गुड, आप ना नहायत ही बकवास डॉक्टर है। पर तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो। हम अच्छे डॉक्टर है मतलब? हाँ, क्या प्रोसीजर किया तुमने? गुड जॉब, गुड जॉब। अरे तुम आदमियों के पैजामा, हम तुम्हारी बुराई पे बुराई कर रहे हैं और तुम हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट से काम नहीं चलेगा, तुमने दोबारा मुझे गलत काम करने से बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें ये दूंगा। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो एक स्टार मिलता है, मैंने तुम्हें 2 stars दिए हैं। गुड जॉब, गुड जॉब। क्या मजाक चल रहा है ये? या हमें आपकी वजह से दिन में तारे दिख रहे और आप हमें सांस दे रहे? आपका दिमाग खराब है क्या? पागल पागल हो क्या आप? इनकी ना कोई वैल्यू नहीं है, आपकी किताबी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं जो किसी को बचाने की काम ना आ सके, और ना ऐसे डॉक्टर की जो स्टॉप एंड पॉज हो जाए जब जब जरूरत हो। नहीं चाहिए हमें आपका थैंक यू, आपका सॉरी और ये यक्के स्टार्स। ओके, हम आपसे बात कर रहे हैं, उस बच्चे को कुछ हो जाता तो आप सुन रहे हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है ना? हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब है क्या? आप पागल पागल है क्या? ओह नो, मुझे भैया को यहाँ से ले जाना होगा। आपका दिमाग ठीक है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपको एक इमरजेंसी केस हैंडल करना। डॉक्टर साहब मुझे? हाँ चलिए चलिए डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर ने बच्चे का गला काट दिया, पर मारने के लिए नहीं, सिर्फ बचाने के लिए। जी हाँ, कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है,
जो आज डॉक्टर कीर्तन कश्यप ने साबित कर दिया। डॉक्टर कीर्तन बनारस के जाने माने कश्यप फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जीआरके मेमोरियल हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी हैं। वाह भैया, #KForKirtan #KForCool, आज तो पूरे न्यूज चैनल्स पर ट्रेंड कर रहे हो। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। कीर्तन बेटा, हम तो इतने खुश हैं आज तुम्हारे लिए कि क्या कहें। देखो ना, हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे। हीरो है हमारा बेटा, बाप का नाम रोशन करेगा। क्यों मिसेस जी? अरे रे, खुश हो बेटा, तुमने कश्यप परिवार का नाम ऊंचा कर दिया, हमें तुम पर गर्व है। अरे बेटा किसका है? हाँ, लेकिन इसमें बाप से ज्यादा माँ के गुण है। लेकिन भैया, माँ को लेके कौन आया था? हाँ। मैं ही ना। क्या बोलती हैं मिसेस जी, जरा बताइए ना, कितनी मशक्कत से आपको पटाया, आई मीन शादी के लिए, मनाने के लिए। वाह, सुखी सुखी बधाई दिए जाओ बस। अरे ये तो मुंह मीठा करने वाली खबर है ना। तुझे किसने कहा मिठाई लाने के लिए? लो, अब नाम हमारा भले सुंदरी, लेकिन है हम महासुंदरी। वैसे बिना बुलाए कई बार कड़वी चीजें भी आ जाती हैं घर में। हम तो यहाँ फिर भी मिठाई लेकर आए ना, तो फिर आप शिकायत काहे कर रही हैं? छोटी भाभी मिठाई। भाई साहब, क्या बात है? काश शिव भी कीर्तन की तरह से होता। शिव भी बहुत अच्छा डॉक्टर है। अच्छा था। कल की सुनहरी यादें आज का दर्दनाक सच बन जाती हैं। पर हम यादों के सहारे रह नहीं सकते मंदिरा। अरे वाह, पार्टी चल रही है घर पर। शिव, तुम्हें पता नहीं, आज कीर्तन ने किसी बच्चे की जान बचाई। उसने उसका गला चीर के उसमें जान डाल दी। देखो ना, न्यूज़ पे भी आया है। देखो देखो। हाँ भैया, ये देखिए, एक डॉक्टर ने बच्चे का गला काट दिया, पर मारने के लिए नहीं, सिर्फ बचाने के लिए। जी हाँ, कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। नो 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 नो, गलत न्यूज है ये। क्या जान कीर्तन ने नहीं, उस लड़की ने बचाई थी। शाबाशी उसे मिलनी चाहिए, शी वॉज द रियल हीरो। किस बात की शाबाशी? ये तेरी झोल झपट डॉक्टरी की वजह से ना तो सीधे जेल जा सकती थी। अरे खबर नहीं तो कह दो, जो लड़कियां जेल जाती हैं ना, उनकी शादी नहीं होती, सिर्फ बर्बादी होती है। और यहाँ तो गेहूं के साथ साथ गुण भी पिस जाता, तेरी रिमझिम की भी बर्बादी हो जाती। अरे तुम्हारी सुई तो एक ही जगह जाके अटक जाती। कितनी बार बताया कि शक्ति के कारण उस बच्चे के जान पे खतरा नहीं आया, बल्कि शक्ति के कारण ही उस बच्चे पर आया हुआ खतरा टल गया। पर अगर शक्ति ने उस बच्चे की जान बचाई तो टीवी पे इस डॉक्टर को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो एक नंबर का झूठा है। सारा काम शक्ति ने किया और उसकी माँ ने मीडिया वालों के सामने उसे हीरो बना दिया। पर इसका पर्दा तो हम फाश करेंगे। अभी सोशल लाइफ करते हैं और हमारे 30K फॉलोअर्स बनारस में इस झूठे डॉक्टर के खिलाफ जुलूस निकालेंगे। ए सोशल बेबी, 30K डंडे पड़ेंगे। हो आई बड़ी इंसाफ की पुतली, शक्ति ने क्या कम बवाल मचाया था?
जो तुम महासंग्राम छेड़ना चाहती है? एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, मंदिरा उस मंदिर की ट्रस्टी है जहां से पंडित जी की पगार आती है, समझ गए? परवाशा चुप। जब ये लोग ऐसे बात करते फिर इस शक्ति से तो क्या ही उम्मीद करूं। बूढ़ी चपत, सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में डॉक्टरी की बात बंद। इन शॉर्ट, दाल रोटी खाओ, मनोरमा जो बोले वो करते जाओ। अरे पर, और किसी को अगर ज्यादा गैस हो जाए और बोलना बहुत जरूरी हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति और रिमझिम की शादी की बात ही होगी, और उसके लिए ये जरूरी है कि पंडित जी की नौकरी सही सलामत रहे, और वो तभी रह सकती है जब तुम दोनों उस मंदिरा के साथ कोई बैर नहीं लो। इन शॉर्ट, समझ गई ना? चुप। चलो बहुत हो गया, फटाफट जाके खाना लगाती हूँ। मेरी रिमझिम का तो व्रत है, लड़की ने कुछ नहीं खाया सुबह से, और ये शक्ति सुबह से जो डॉक्टर डॉक्टर खेल रही थी भूखे बेटी है, लेकिन चक्कर खा के गिर गई तो सब तो यही बोलेंगे ना कि काकी ने भूखा रख दिया। उसका भी व्रत है। सच्चे? तूने व्रत रखा है? अरे मारी बिकरी। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चूती रे, तू जब ऐसे काम करती है ना तो मेरे को लगता है कि तू मेरी भतीजी नहीं, मेरी अपनी पोतानी दिख रही है। सच्चे? भोलेनाथ करे तुझे भी ना एकदम वर्ल्ड का बेस्ट पति मिल जाए। हाँ चल, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ, सब लोग आ जाओ। उस बच्चे को अगर किसी ने जीवन दान दिया है तो उस लड़की ने दिया है। अब शिव बेटा, उस लड़की ने तो केस और कॉम्प्लिकेट कर दिया था। वो तो कीर्तन ने ऑपरेशन थिएटर में उसकी जान बचाई। नो नो चाची, दिस इज रॉन्ग। सारे एफर्ट्स उस लड़की ने लिए थे, मैंने देखा था। कीजिए, हमारा कीर्तन न्यूज पे आ रहा है, देखिए। भाई मुंह तो मीठा हम जरूर करेंगे, लेकिन खुशखबरी तुम नहीं, हम देंगे सबको। हैं? लो मुंह मीठा करो, हमने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। हमारी सहेली अयोध्या से आ रही है, उसी की पोती है।
शिफ्ट भैया की शादी, दैट्स सच अ गुड न्यूज। अरे हमारे शिव भैया की शादी इतने धूमधाम से मनाएंगे जैसे वो मां शिवरात्रि। वाह मां, ये तो आपने वाकई में ही खुशखबरी सुना दी। अरे बात सिर्फ खुशी की नहीं है, बात है नाचने की। इधर आना, खड़ी क्या, चल लंदो। भैया की शादी है यार। लो लो, मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर। हमने तुम्हारे लिए लड़के भरे लिए, लड़के भरे लिए, लड़के कल हमारी सहेली अयोध्या से आ रही, अयोध्या से आ रही, उसी की पोती, उसी की पोती, उसी की पोती, उसी की पोती। लो लो, हम मीठा कर, हम लड़के भरे लिए, मीठा कर। हमने तुम्हारे लिए लड़के लो, हमने तुम्हारे लिए मुंह मीठा कर, मुंह मीठा कर, मुंह मीठा कर। भैया तो चले गए। कोई बात नहीं, जब तेरी भाभी आ जाएगी तो तेरा भैया किसी भी उत्सव से भाग नहीं पाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं शिव के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। वैसे भी रिश्ता जोड़ने से पहले शिव के बारे में लड़की वालों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तू इस घर के लिए कितना करेगी, चिंता मत कर, हमारी सहेली को शिव के बारे में सब पता है। इस बार उसका अतीत उसके भविष्य पे हावी नहीं होगा। माँ चलो, माँ कल लड़की वाले आ रहे हैं, काफी तैयारियां करनी बाकी हैं। चलो। छोटी भाभी, लगता है अम्मा का प्लान आपके भविष्य पर हावी होने वाला है। अरे आप तो शिव के लिए एक ऐसी लड़की लाने वाली थी ना जो शादी के दिन ही भाग जाती। लेकिन अम्मा की सहेली की पोती तो जन्मों जन्मांतर का टिकट कटा के आएगी। वैसे आप भी तो कुछ ही दिनों के लिए टिकट कटवा कर आई थी ना यहाँ पर, रह तो परमानेंटली रही है, आपकी वापसी का टिकट कर दूं मैं? नहीं। मेरी प्यारी पद्मा दीदी, आप बस अब शिव की शादी की तैयारी शुरू कर दो, उसके बाद उसके डिवोर्स की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि शिव की शादी तो होगी पर टूटने के लिए। समझ गई? मुंह मीठा कीजिए। हाँ खाओ। वैसे तो ये व्रत में खीर भी बनती है, दिन भर के बवाल में टाइम ही नहीं मिला। खीर की क्या जरूरत, ये गुजरातन की दाल खीर से भी ज्यादा मीठी होती है। पंडित जी है? खाना खाइए वरना कल आपको व्रत रखना पड़ेगा। अरे नहीं, शक्ति चल चल बेटा, तू भी खाना शुरू कर, भूखी होगी ना। नहीं चाची, वो मन नहीं है। अरे व्रत के बाद भूखी रहेगी, हम पे पाप चढ़ाएगी क्या? चल चल लो फटाफट ले। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा सुबह से कुछ नहीं खाई है, खा ले ना।
नहीं चाचा जी, वो हाल है शक्ति। धर्म भैया, हमने कहा ना कि हमारा मन नहीं है। भूख हड़ताल है ना, जिद कर रही है हमारे सामने खाना नहीं खा के, ताकि हम तुझे डॉक्टरी पढ़वा दे। नहीं चाची, पर खबर न हो तो कह दू, मेरे सामने ना तेरे चाचा जी की जिद भी नहीं चली है, तो तू क्या चीज है? खाना खाएगी कि नहीं? हाँ के ना, बोल जल्दी। नहीं, कोई बात नहीं, अब ना तुझे खाना नहीं मिलेगा, भूख लगेगी ना तभी भी नहीं मिलेगा। हूँ बता रू जिद सूचे। हाँ ला, बोला मेरे सामने जिद करेगी? वाह, जलसा पड़ी गई। ये शक्ति, साम दाम दंड वेद कुछ भी इस्तेमाल कर, मेरे आगे कुछ नहीं चलेगा। इटले इन शॉर्ट, डॉक्टर का कोट पहनने का सपना भूल जा और शादी का जोड़ा पहनने की तैयारी कर, समझे ना बेटा? चल ये रिमझिम बेटा, निराशा से पेट नहीं भरा करता। जो तुम फोन से खाना मंगाती हो ना, मंगा देना शक्ति के लिए। इसी बहाने उसको कुछ अपने स्वाद का खाना तो मिल जाएगा। बाकी तुम तो अपनी मम्मी को जानती हो कि वो लड्डू का सब्जी बनाती है कि कद्दू का बनाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। पापा, हम ना शक्ति के लिए फूडी से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप जाइए और मम्मी की जरा पैर दबाइए। जाइए। दी, हमने कहा ना कि हमारा मन नहीं है, क्यों फालतू में खर्चा करना? पक्का? फिर भी कुछ भी मन करे तो बता देना, हम ऑर्डर कर लेंगे। हम चेंज करने जा रहे हैं, तू भी चेंज कर ले, बहुत लेट हो गया है। अब आप हम पे क्यों हंस रहे हो चंदा मामा? आप हंस रहे हैं, पता है नीचे सबकी बातें सुनकर मुझे कितनी टेंशन हो गई। मुंह मीठा करो, हमने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। सब मेरा कल ऐसे भूल गए जैसे मेरा सच एक सपना है। कोई चाहे कुछ भी कहे, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। बन जाएंगे हम किसी की श्रीमती, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर बनेंगे। लगा लेंगे किसी के साथ भी साथ फिर, लेकिन उससे पहले हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। अपना लेंगे किसी और का परिवार, बन जाएंगे उनके, लेकिन उससे पहले ना अपने इस परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है हमें। चाचा जी का हाथ बटाना चाहते हैं, चाची जी के घुटने का इलाज करवाना चाहते हैं, दीदी की शादी करवानी है और धर्म भैया उनके लिए जीवन भर का बादाम घी का इंतजाम भी करना है। कौन नहीं चाहता कि कोई ऐसा हो जिसे हम अपना कह सके, जिसके साथ खुशियां बांट सके, जिससे दिल की बातें कर सके, जिसके साथ अपना दुख दर्द बांट सके। लेकिन अपना सपना अधूरा छोड़ के नहीं, क्योंकि अगर हम अधूरे हैं किसी और को पूरा क्या करेंगे? उसका तो सपना भी अधूरा रह गया। मैं खुद खुश नहीं हूं तो किसी और से शादी करके उसे कैसे खुश कर पाऊंगा? आप तो जानते हो ना मिस्टर मून कि मैं खुद अधूरा हूं, तो किसी और को कैसे पूरा कर पाऊंगा? और मैं अधूरा हूं
इसीलिए मेरा सपना भी अधूरा रह गया।